और अब बात उदयपुर की। राजस्थान का उदयपुर एक बार फिर सहमा हुआ है। 5 दिन पहले स्कूल में हुई चाकूबाजी की घटना में मारे गए 15 साल के देवराज को अंतिम विदाई देने तकरीबन पूरा शहर उमड़ा। पुलिस की जबरदस्त सुरक्षा इंतजामों के बीच देवराज की अंतिम यात्रा हिरादीवाड़ा से अशोकनगर मोक्षधाम के लिए भेजी गई, जहां उसका अंतिम संस्कार किया गया। 16 अगस्त को स्कूल में किए गए चाकू से हमले के बाद देवराज गंभीर रूप से जख्मी हो गया था। 78 घंटों बाद अस्पताल में उसने आखिरी सांस ली थी। हमारे संवाददाता देव अंकुर उस मौके पर मौजूद थे जब देवराज का पार्थिव शरीर अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा था। उनकी रिपोर्ट। उदयपुर शहर में इस वक्त गम का माहौल है। चाकूबाजी में जो छात्र घायल हुआ था उसकी मृत्यु के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर उसके पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए लेकर जाया जा रहा है। और जिस तरह से यहाँ पर जो लोगों का हजूम उमड़ा है वो आप देख सकते हैं, लोगों में गुस्सा है, लोग न्याय की मांग कर रहे थे और यहाँ पर जो तमाम लोग पहुंचे हुए हैं पूरे इलाके में इस वक्त गम का माहौल है। लोगों में बेहद दुख व्याप्त है और कोशिश की जा रही है प्रशासन के जरिए के यहाँ पर अमन शांति बनी रहे। दरअसल ये घटना यूं तो स्कूल में बच्चों की लड़ाई की है, लेकिन उसे अब सांप्रदायिक विवाद की शक्ल में देखा जा रहा है। एहतियातन शहर भर में 30 से ज्यादा थानों की फोर्स लगाई गई, संवेदनशील इलाकों में भी पुलिस की अतिरिक्त टुकड़ियां तैनात की गई हैं। इस मामले में प्रशासन ने आरोपी के किराए के घर को भी तोड़ दिया था जो उदयपुर के खांजीपीर इलाके में था। प्रशासन ने उस घर को वन विभाग की जमीन पर बना अवैध मकान बताकर तोड़ा, लेकिन आरोपियों को सख्त सजा की मांग पर लोगों में आक्रोश बना हुआ है। खासतौर पर स्कूल में हुई चाकूबाजी को लेकर तमाम तरह के संगठनों की ओर से आक्रोश व्यक्त किया गया। घटना 16 अगस्त की थी जब स्कूल में चाकूबाजी की वारदात में 15 साल का देवराज गंभीर रूप से जख्मी हुआ। घटना के बाद ही तमाम संगठनों की ओर से आक्रोश दिखने लगा, लेकिन 3 दिन बाद MB अस्पताल के अंदर ही देवराज की मौत हुई। घटना से आक्रोशित परिजनों ने जब शव लेने से इनकार किया और दोषी को सजा देने समेत कई मांगों को लेकर प्रदर्शन शुरू किया, तो मृतक के परिजनों को 51 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने, परिवार के एक सदस्य को संविदा पर नौकरी देने और SC ST एक्ट के तहत मामले में कार्रवाई करने का भरोसा दिया, तब जाकर परिजन अंतिम संस्कार को तैयार हुए। हालांकि उदयपुर पुलिस ने अब भी मामले को संवेदनशीलता की तरह ही देखा और चौकसी बढ़ती है, सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि अब ऐसी बयानबाजियां शुरू हो गई हैं जिसमें बच्चे की मौत के पीछे सांप्रदायिक साजिश के सवाल उठाए जाने लगे। उदयपुर शहर की जनता ने धैर्य का परिचय दिया है। गुस्सा बहुत था, लेकिन उसके बावजूद भी शांति व्यवस्था बनाए रखा, उसके लिए धन्यवाद। शहर के अंदर जिस तरह से देश भर के अंदर टुकड़ा टुकड़ा गैंग पिछले पाँच वर्षों के अंदर जिस तरह से देश भर में व्यवस्था का जो वातावरण बना रहे हैं उसी का परिणाम कन्यालाल हत्याकांड हुआ है, उसी का परिणाम देवराज की हत्या का काम कांड हुआ है। और सरकार से मैं आग्रह करूँगा कि योजनाबद्ध तरीके से अब बच्चों को आगे किया जा रहा है ताकि उनको नाबालिग का लाभ मिले। मेरा आज एक बच्चा हाथ से निकल गया, तो पूरा भविष्य, मेरे तो पूरा भविष्य का, मेरा मैं तो उसी के सहारे बैठा हुआ था, आज मेरा बच्चा चला गया है। तो आरोपी के खिलाफ क्या सजा? मैं तो यही चाहता हूँ सख्त कार्रवाई हो उसके, जो आज मेरे बेटे के साथ हो किसी और बेटे के साथ ना हो, पूरी प्लानिंग के साथ हत्या की है। मैं कन्हैया लाल जी हत्याकांड के टाइम पर उदयपुर ने शांति बनाई रखी, मगर उसका परिणाम ये निकला कि आज देवराज की हत्या का सामने आया, तो वास्तव में ऐसी दोबारा पुनर्वर्ती ना हो उसके लिए इस देवराज के हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा दे और फांसी तक उनको पहुंचाए, तभी जाकर इसको सच्ची श्रद्धांजलि होगी और आने वाला ये जो क्राइम घटेगा ऐसा अपराध करने वाले पे डर रहेगा। तो नेताओं की ओर से अब देवराज की घटना को कन्हैयालाल दर्जी की हत्या से जोड़कर देखा जा रहा है, यही वजह है कि पुलिस प्रशासन को शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए चौकसी बरतनी पड़ रही है।